के पास वापस मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। का नाम? पलविशा जानी। आपका नाम? नाम बताएं। राजदा। आपका नाम? कौन सी क्लास में? और आप? आप क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ। ये आपके? ये मेरी भाई की बेटी है और ये मेरी बहन की। ओके, चलें सवाल करते हैं, ठीक है? मुझे बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा कि वो कौन सा जानदार है जिसको अगर मारा ना जाए तो वो कभी भी ना मरे? मैं क्या भिक्की शेयर करूँगी? लेमन जूस और बेसन और बेकिंग सोडा, इन तीनों को मिक्स करके फेस पे लगाया, फेस ग्लो के लिए, फेस वाइटनिंग के लिए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. I see the big star so high, I can imagine in the sky. Very nice. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye. Lahore News, Lahore di jaane. Ji, इन्होंने एक टिप बताई और एक पॉइंट सुनाई। हर कोई जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ शेयर जरूर करे, क्योंकि सवालों के जवाब आपको नहीं आते तो कुछ ना कुछ शेयर करें, इससे आपको भी पता चलेगा कि यस, आप कुछ कर सकते हैं। इससे आशीर्वाद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समन। सिबका। नवाल आपका नाम? जी। आपका नाम? नवाल। जईम। बस यही आप चारों मुझे बताओ कि वो कौन सा काम है जिसे करते हुए हर कोई रोता है? काम जिसे करते हुए हर कोई रोता है? प्याज काटना। प्याज। क्लैपिंग करें। क्या सुनाएंगे? सुनाऊंगी क्या, एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। सिंगर। क्या क्या सुनाओगे? मैं सॉन्ग। अपने बाद माइक आगे पास करते जाएं। स्वीट कॉर्न की रेसिपी है। पहले स्वीट कॉर्न को बॉईल कर दें, फिर उसमें नमक डालें और चिकन स्टॉक डाल दें, चिकन टिक्का डाल दें और साथ में बटर डाल दें, उसको मिक्स करें और सब कुछ साथ में पेश करें और खिलाएं। मेरी रेसिपी एक सैंडविच की रेसिपी है। ये ट्रिपल चीज़ सैंडविच है। इसमें बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक ब्रेड के ऊपर पहले एक चीज़ की लेयर डालनी होती है, ऊपर एक चिकन की लेयर डालनी होती है बोनलेस चिकन की, और फिर एक और आप चीज़ की लेयर, इसी तरह आप तीन बार चीज़ की लेयर डालिए और आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेत के सारे जहां की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। मैं पिशावर के स्कूल APS में पढ़ता हूँ, जिसमें हमला हुआ था। मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। थैंक यू। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अच्छी फैमिली थी, सबने कुछ ना कुछ शेयर किया। और मैं हमेशा बताऊंगी कि रेसिपीज जो भी होती हैं वो आप लोग जो हैं कहते हैं कि लोग तेज़ बोल रहे हैं, मैं लोगों को ज़्यादा स्लो नहीं कर सकती, मगर आप अगर रेसिपी आपसे मिस हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही, तो वो प्रोग्राम जो है ये जो 7 बजे लगा है, ये अगले 5 बजे लगेगा, आप तब देख सकते हैं, 11 बजे लगेगा, आप तब देख सकते हैं। वरना अगर फिर भी आपको ना मिले, आप मिस कर दें, तो आप YouTube पर बूझो तो जीतो लिखें, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? आयशा। शेफ सफीर। वेरी नाइस। आपका नाम? पलविशा। कौन सी क्लास? प्रैप। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके, आप तो शेफ हैं। चले, आपको सबसे ज्यादा पसंद खुद क्या क्या है, क्या बनाने में पसंद है सबसे ज्यादा? मेरे मुझे तो सब कुछ बनाना पसंद है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, थाई, जापानीज, टोटली। सबसे ज्यादा तो ट्रेडिशनल ज्यादा लाइक करता हूँ। जैसे
जैसे कि मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करता हूँ जो बड़ी इजी है। किस चीज़ की है? चिकन मलाई रोटी। डन, ये भी हम आपसे पूछते हैं। अभी आप मुझे बता दें, काम है जिसे करते हुए हर इंसान आंसुओं के साथ रोता है, वो क्या काम है? जो प्याज कटिंग करते क्लैपिंग करें। चले, जब आप आते हैं बाहर रहते हैं ना, तो ये आपके लिए खाना बनाती हैं या आप बनाते हैं? नहीं, खाना यही बनाती हैं, मैं इनको रेसिपी दे देता हूँ। इनको क्या बना के आज तक खिलाया? इनको तो वैसे पागली में है अभी तक। गलत बात है ये तो। चलें, बताएं ना। मैं आपको आज चिकन मलाई रोटी की रेसिपी बता रहा हूँ। आप सबसे पहले आपने चिकन लेना है बोनलेस, उसके अंदर चिकन लेना है आपने, और चिकन के अंदर आपने डालना है गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, क्रीम और योगर्ट, वाइट पेपर। इसको पेस्ट बना के तकरीबन एक घंटे के लिए आपने रख लेना है। एक घंटे के बाद फिर आपने इसको टेस्ट चेक करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसके टेस्ट चेक करें एक घंटे के बाद, तो ये टेस्टलेस हो जाएगी। फिर आपने सॉल्ट हल्का सा दोबारा ऐड करना है, क्योंकि सॉल्ट जब ट्रैवल करता है तो वो आगे तक चला जाता है, बाद में टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। फिर आपने सॉल्ट लगाने के बाद इसको सीखों पर चलाना है, या फिर आपके पास ओवन है तो आप ट्रे में लगा के ओवन में रख दें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, अगर बोन वाला है। बोनलेस है तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर बेक करके ओवन से निकाल लें। अगर आप सीख पे करना चाह रहे हैं इसको, तो आप इसको सीखों पे चढ़ाएंगे और कुक करेंगे एज इट इज़। आप देखेंगे जब दोनों तरह से कुक हो गया, उतार के मिंट चटनी के साथ एक अच्छी मलाई रोटी आप इंजॉय कर सकते हैं। क्या सुनाएंगे? मैं यही स्किन ब्यूटी का बताना चाहूँगी, कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट यूज़ करने से बेहतर है कि आप जब रात को कहीं से भी आउटिंग से आएँ तो फेस अपना वॉश कर लें, और फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल का यूज़ करें बस। इसके अलावा मैं किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट क्रीम मत यूज़ करें, वो नुकसान दें। आप क्या बताएंगे? जोनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग अ लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। Amazing, Lahore News की तरफ से आप लोगों के लिए, थैंक यू। जी यार, रेसिपी बताई इन्होंने, और ये बाहर के मुल्क में एक शेफ हैं, और जैसे कि उनकी प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा था उनकी रेसिपी की डिटेल में, तो प्लीज़ ये रेसिपीज जो हैं आप ज़रूर नोटिस किया करें और बनाया करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैबुनिसा। ज़राइत मलक। क्या करते हैं? बैंक में। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड, आपके बाल रियल हैं? जी नॉट रियल नहीं है, नॉट रियल। मैं वही सोच रही थी, बड़े घने बाल हैं, मैंने कहा राज पूछूं, मगर रियल हैं। चलें जी, ओके सवाल करते हैं, कितना टाइम हो गया शादी को? हमारी शादी को 34। माशाल्लाह। इनकी एक अच्छी सी आदत और एक बुरी आदत बताएं। ये खाना बहुत अच्छी पकाती हैं। और बुरी आदत? और बुरी आदत इनमें कोई नहीं है। आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा इंसान है। बुरी आदत? कोई भी बुरी आदत। कहाँ के आप? कश्मीर से आए। हाँ, कश्मीर से आए, लग रहा था थोड़ा सा मुझे, माशाल्लाह। चले जी, सवाल करें। दुनिया में सबसे बड़ी आँखें किस जानवर की हैं? दुनिया में सबसे बड़ी आँखें किस जानवर की हैं? क्या सुनाएंगे? कोई शेर सुना दो। और आप? शेर सुना दो। अपने बाद माइक आगे दे दें। जियो जमाने में यूं कि जिंदगी को रश कहे, मरो तो मौत भी कहे, कौन मर गया है यारो। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के। थैंक यू जी। माशाल्लाह, कश्मीर से आए हुए थे ये लोग और बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। चलिए जी, मुझे आपको दो सवालों के जवाब बताने हैं, वो ये कि चांद का दर्जा सबसे ज़्यादा कब होता है? सुबह के वक्त। ठीक हो गया, सुबह के वक्त उसका दर्जा सबसे ज़्यादा होता है, रात को ठंडा हो जाता है। चलिए दूसरा सवाल भी आपको बता देते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा कौन सा काम करते हुए रोता है? तो वो काम है प्याज काटना। प्याज काटते हो तो रोते हो, मुझे भी रोना होता है इसलिए मैं नहीं काटती। चलें, अपना ख्याल रखें, प्रोग्राम बूझो तो जीतो देखते रहें, जो मेरा जमा हफ्ता इतवार शाम 7 बजे, जो अगले 105 और 11 बजे रिपीट होगा, देखना मत भूलें। मुझे अपनी होस्ट को अलीना हारून को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।